अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद कयूम है और मैं वीआरपी प्रॉपर्टी से हूँ। आज हम आपको भैरव राव रावलपिंडी में सात मंजिल का घर है उसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उसका विजिट करवाते हैं हम आपको। ये इसका कार पोर्च है और यहाँ पे दो गाड़ियाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। इसमें ग्राफिक का काम बहुत अच्छा हुआ हुआ है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें टू पोर्शंस हैं, अपर पोर्शन में जो है थ्री बेडरूम्स है और नीचे वाले पोर्शन में टू बेडरूम्स है। इसका वुड वर्क भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है, एश वुड यूज़ हुई हुई है। इसका टीवी लॉन्च है और टाइल्स जो हैं वो मास्टर कंपनी जो है उसकी अच्छी क्वालिटी की टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं, A1 क्वालिटी जो है। और ये इसका ओपन किचन है, ओपन किचन में जो है अप्लायंसेस बहुत अच्छे इन्होंने यूज़ किए हैं, ब्रांडेड कंपनी के अप्लायंसेस हैं। और इसके जो कैबिनेट्स हैं वो टर्किश यूवी शीट है उसकी है, नेस गैस के जो है इन्होंने अप्लायंसेस यूज़ किए हैं। में हायर के जो है कुकिंग रेंज, ओवन सब इंप्लीमेंट है। ये इसकी बैक स्ट्रीट है, यहाँ पे आप इसको लॉन्ड्री एरिया भी बना सकते हैं। आइए हम अब इसका बेडरूम विजिट कर लेते हैं। नीचे टू बेडरूम्स है और अपर पोर्शन पर थ्री बेडरूम है। ये इसका बेडरूम है, काफ़ी स्पेशियस है, मास्टर बेड इजीली आ सकता है, कैबिनेट इधर ही इंस्टॉल हुई नहीं है। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में टाइल्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ हुई हुई हैं और इसका जो सैनिटरी वर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। ये इसका बेडरूम नंबर टू, मास्टर बेड इजीली आ सकता है। वॉशरूम में जो टाइल्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यूज़ की हुई और कलर कम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा इन्होंने यूज़ किया। अब हम इसका ड्राइंग रूम देख लेते हैं। ड्राइंग रूम में काफ़ी स्पेशियस है, इसमें इजीली सेवन सीटर और उसके अलावा जो है थ्री सीटर जो है वो आ सकता है। इसका पाउडर रूम है, इजी एक्सेस जो है वो बाहर कारपोर्ट से भी है। आए अब हम इसका जो है अपर पोर्शन विजिट कर लेते हैं। अपर पोर्शन में जैसे ही हम आते हैं तो सामने से जो है टीवी लॉन्च आ जाता है और टीवी लॉन्च के साथ जो है अपर तीन बेडरूम हैं तो ये इसका बेडरूम नंबर वन हो गया अपर पोर्शन का। अपर पोर्शन में थ्री बेडरूम है और ये इसका वॉशरूम। ये इसका बेडरूम नंबर टू, हर बेडरूम में जो है वो कैबिनेट सेम ही है। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने स्पेस को यूटिलाइज किया, बेडरूम साइज को भी मेंटेन करके रखा हुआ इन्होंने और टीवी लॉन्च को किचन की स्पेस को। ये इसका बेडरूम नंबर थ्री है अपर पोर्शन का। इसके फ्रंट पे जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में जो है सैनिटरी मास्टर की हुई हुई है जो अच्छा ब्रांड है।
अब हम इसका अपर पोर्शन का किचन जो है वो देख लेते हैं। अपर पोर्शन का किचन भी काफ़ी जो है बड़ा दिया हुआ है इन्होंने। मोस्टली जो है अपर पोर्शन में किचन छोटा सा होता है, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा साइज़ जो है वो रखा हुआ है। टू फैमिलीज़ के लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और अपर पोर्शन और ग्राउंड पोर्शन के बेडरूम्स को मिला के ये टोटल 5 बेडरूम्स बन जाते हैं। और प्लस पॉइंट ये है इस घर का कि इन्होंने इसमें स्टडी रूम भी दिया हुआ है। ये बहुत कम होता है, मोस्टली 10 माला 15 माला और बड़े कनाल के हाउसेस में ये इस तरह की स्पेस दी जाती है, लेकिन इन्होंने स्टडी रूम जो है ये यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। बहुत ही प्यारा है ये। इसका जो है व्यू है यहाँ से अगर हम देखें तो, ये 7 माले का घर है। इसका साइज जो है वो 30x55 है और प्रॉपर डबल यूनिट है। 5 बेडरूम है, 2 किचन है, इंडिपेंडेंट पोर्शन भी हो सकता है ये। और एक बड़ी फैमिली के लिए भी जो है बेस्ट ऑप्शन है। बड़ी फैमिली के लिए भी घर जो है अच्छा है काफ़ी, और लोकेशन भी इसकी बहुत अच्छी है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे दिए हुए नंबर्स पे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आपको वीडियोस में हम वो भी जो है वो दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी, मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल सकें। ये इसका व्यू है, ये फ्रंट ओपन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और हम मज़ीद ऑप्शंस जो हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।